गायत्री बोलो ना। अरे अभिषेक अरे उर्मिला बिस्किट ने गायत्री को अपने पास बुलाया। क्या? सच सच क्लियरली बोला। अच्छा गायत्री वहां खड़ी थी ना। हाँ तो ये बोला इधर ऐसा बोला ये हाँ। ले ये तो कमाल हो गया नहीं। कल इसने एप्पल वाले से एप्पल का दाम पूछा बोलो। सच? हाँ तो वो एप्पल वाले ने बोला भाभी एप्पल ले लो। तो बिस्किट ने तुरंत पूछा भाव भाव भाव। क्या महेंद्र आप भी कितनी फेंका फेंक करते हो कितनी फेंका फेंक। नहीं सच में बोला ये। हाँ रहने दो। मारो दिक्रो एक कुत्ते से याद आया अभिषेक। कुत्ते से तुझे अभिषेक याद आया? वो लेकर आया ना इसको। अच्छा छोड़ तू है ना गायत्री अभिषेक को एकदम टॉप क्लास गिफ्ट देना एकदम हाई क्लास ना बैठनी है ना। हाँ टॉप क्लास गिफ्ट देना पैसों की फिक्र मत करना। शर्ट पैंट महंगे वाले शर्ट पैंट देना है। महंगे वाले शर्ट पैंट देना ठीक है। नहीं नहीं सोने की चेन महेंद्र। सोने की चेन भी ठीक है। कोहिनूर का हीरा रखते हैं। कोहिनूर का हीरा ऐसा बड़ा वाला। कोहिनूर का हीरा बड़ा क्या? कोहिनूर का हीरा बड़ा वाला क्या? इंग्लैंड की रानी का मूड खरीद के देंगे उसको? डोफा जी भी बात करे साहब। ओहो मम्मी पापा मींस के आप मम्मी और ये पापा गिफ्ट क्या देना है वो मैं डिसाइड करूं। सर ठीक। हे अभिषेक आ गया तू? अन्ना वेट कर रहे हैं मालूम। 100 किलो तो आएगा उनका वेट। चल बहुत बढ़ गया है। चल हे अभिषेक आ गया। अरे देवा गुजराती है। मेरा बस चले ना तो मैं तो इसका हाथ ही दे दूं उस लड़के के हाथ में। तो सु दोस्ती से सीधी रिश्तेदारी है। और गायत्री ये ससुराल भी एकदम बाजू में तेरा है बगल में ही। और लड़का तो हीरा है ही। पर अन्ना साहब मानेंगे नहीं ना। अरे विभावरी का पति मराठी है मराठी फिर भी कितना बवाल मचाया उन्होंने। और फिर हम तो ठहरे गुजराती। गायत्री जो दिख रही तू है ना गलती से भी अभिषेक के प्यार में पड़ने का सोचना भी मत। बिना वजह दुखी हो जाएगी। गायत्री बेटा क्या सोच रही है तू? नहीं कुछ नहीं। और क्या आप दोनों भी प्यार में मत पड़ना एंड ऑल प्यार कभी सोच के किया जाता है क्या? वो बात तो तेरी बराबर है बेटा लेकिन अगर बिना सोचे प्यार करेगी ना तो पूरी जिंदगी महेंद्र जैसे आदमी के साथ बिताने की नौबत आएगी बेटा। ये ईमा क्या बोली तू? मैं तो भूल गया आप इधर ही है। फालतू के जोक्स। अरे रे कितना भरपूर मारा है मेरे बच्चे को। प्रभाकर तू पुलिस को बुला। मैं उस नीच आदमी पे दफा 302 का मुकदमा करूंगा नालायक। अन्ना अभी आप कितना जोर से चिल्लाए। उज्ज्वला अंडा बेचारे व्याकुल होके चिल्लाए समझी ना तू। अन्ना मुझे बहुत ठंड लग रही है प्लीज लेप लगाइए ना जल्दी प्लीज। नहीं मत लगाना ये पकौड़े का घोल है तेरे को जलेगा। ये गोपी चंदन और आयुर्वेदिक मलम वाला लेप है जलेगा कैसे? ठंडा ठंडा लगेगा। अब बहुत जल रहा है। कैसे? अन्ना ने बोला कि पकौड़े बनाने का घोल है तो मैंने उसमें नमक और मिर्ची डाल दिया मालूम। अरे देवा इसमें नमक और मिर्ची। अरे तू अनाड़ी आई पानी से साफ कर दीजिए।
अरे ए ए भारती, इतनी दूर खड़े खड़े क्या फूंक मार रही है? बर्फो 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 बोलो, ऐसे टाइम पे अन्ना को बर्फ खाना है? प्रभाकर, बर्फ अपने फ्रिज में नहीं है, नहीं जमता बर्फ। हाँ तो वो होगा, लेकिन अभी आप नया फ्रिज खरीदने की जिद मत करना प्रभाकर दादा। अरे लायक, यहाँ ऐसे समय पे तुझे नई चीजें लेनी है? हाँ? अरे जाना पड़ोसी के यहाँ, जा बर्फ लेकर आ। हाँ, वो कौन से पड़ोसी? बच्चन परिवार, वो अभी हमारे पुणे में महादेव पेठ में रहने आए हैं। नए नए वहां पे जाना और बोलना, अमिताभ भाऊ, जया बहिन, थोड़ा बर्फ मिलेगा क्या? तो पूछेंगे तुझे, तुम कौन है? नहीं। तो तू बोलना, मैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे पड़ोसी लगते हैं, नाम है घनचक्कर। प्रभाकर, सेम सेम कर है ना दोनों में, बालकी खाल मत। हाँ, वो बालकी खाल के यहाँ से लेकर आ, वो गुजराती बाल वाली लेकर आ। आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ? मैं शांत नहीं हूँ अन्ना, जाओ जाओ जल्दी जाओ। निर्मित, क्षमा करना अभिषेक, अब तो कुछ नहीं आता, पकौड़े का गोल लगा दिया। अरे हम बाद में लौटा देंगे। ए हाय हाय, एक मिनट, ये लौटा का इशारा ऐसा कैसा? वो स्टील का लौटा, उसका इशारा किया वहीनी ने। अच्छा, वो अन्ना भाई को है ना, फिर से एक बार याद करवा देना कि कल रात को हमारे घर पे डिनर एकदम फिक्स है, पाकू। हाँ हाँ, करते हैं कंफर्म। आप ही जरा, हाँ हाँ, दौड़ो 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 दौड़ो। कमाल के नमूने लोगे, लेप में मिर्ची और नमक डाल दिया। बोलो उर्मिला। हाँ। मेरी शैम्पू की खाली बोतल में फिनाइल किसने भरा? मैंने। और मैंने डाला। हाँ महेंद्र, आप भी। और बाटली खाली थी तो मैंने फिनाइल भर दिया, आपने सूंघ के डालना चाहिए ना। अच्छा, अब तेरी हेयर ऑयल की खाली बोतल में मैं केरोसिन भर दूंगा, देखना तू। खबरदार महेंद्र, खबरदार। हाँ? नहीं तो मैं आपके टूथब्रश से टॉयलेट साफ करके वापस टूथब्रश रख दूंगी वॉश बेसिन पे, देख लेना। लोई पीनी है तू, लोई पीनी। अभी ठीक है ना महेंद्र, हो गया अभी। अच्छा सॉरी, बस ये बाल में फिनाइल गया, देख। हाँ तो मैं पोछा मार दूंगी ना, सारे जर्म्स मर जाएंगे। अभी ठीक है ना बाड़ा? हाँ, क्षमा करना मुझे, क्षमा करना। वो क्या है ना, इसने वो अनब अनब काय झालं ना? तू इतना छोटा था ना, तो तुझे खांसी होती थी तो दम मेरा घुटता था, तेरी नाक बहती थी तो आंख मेरी बहती थी, और आज मैंने ही तेरे जख्मों पे। अहो, आप शांत रहिए। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं अन्नाड़ी थोड़ी हूँ इसकी तरह, अक्कल का दुश्मन। कुछ भी मत बोलिए अन्ना, अक्कल का दुश्मन तो आप प्रभाकर दादा को बोलते हैं, मैं तो आपके पिछले जन्म का दुश्मन हूँ। वो तो तू है ही, नाक में दम करके रखा है, पैदा हुआ है तब से, हम सबकी नाक में दम करके रखा है तूने। अहो, बात बिगड़ जाएगी। अमोल, तू जा तो यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, सारा कसूर इनका है, इन्होंने मुझे बोला बिस्किट को लेके जा, तभी तो बिस्किट मुझसे खो गया मालूम। अगर बिस्किट खोता नहीं तो अभिषेक ढूंढता नहीं, नहीं उसको चोट आती। इसे बोल गप्प रहने को, अगर मेरी सटक ली ना तो गप्प। बस अमोल, तू क्या निर्मिति की बातों में आके अनाप शनाप बोल रहे अन्ना के खिलाफ? मैं कब बोली अन्ना? मैं तो उल्टा बोली। हाँ, तू उल्टा बोलेगी तो ये बेचारा वो सुन के उल्टी बात ही करेगा ना। नहीं नहीं, मैं तो सीधी बात बोला, आपकी बात सुन के केशव दादा। बताइए बताइए, केशव क्या बोले ये बताइए अन्ना को। बोल बड़ा। इन्होंने बोला कि अन्ना की तानाशाही से परेशान होके जैसे विभावरी भाग गई थी ना, वैसे एक एक करके सब लोग भाग जाएंगे। और सही है, इन्हीं की वजह से मेरी सुप्रिया घर छोड़ के भाग गई मालूम। सुप्रिया, सुप्रिया इसलिए भागी क्योंकि तू तू वेट पागल है, तू पागल, तू पागल है इसलिए भागी सुप्रिया।
क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। क्रोध तो विवेक को खाता है। नूतन और सुनील दत्त वाली फिल्म का नाम सुजाता है। इसने नया गाना लिखा परमेश्वरा। जोत्सना, अभी तुम मुझे शांत रहने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस अन्ना अभी खुद कितनी चिलम चिल्ली कर रहा है वो अन्ना भाई। वो भी फुल फैमिली के साथ है। सयानी ससुराल जाती नहीं और पगली को नसीहत देने बैठती है। तुझे डिस्टर्ब करने के लिए चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे वो लोग। जरूर कुछ हुआ होगा। तो उस रात को हम लोग भी उनको डिस्टर्ब करने के लिए कैरियोके नहीं बजा रहे थे उर्मिला। उस वक्त रात के 10:30 बजे थे और अभी तो सिर्फ 9:30 बज रहे हैं। वाह 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 वाह, सरस मेरे खरगोश लाल। मतलब 10:29 तक करो बुमा बूम रडा रड, और जैसे ही 10:30 बजे के मौन व्रत, फिंगर ऑन योर लिप्स। तू जा वहाँ और कर झगड़ा। मैं तो यहीं से हल्ला मचाऊंगी। चलो महेंद्र, गर्भागा के ना ऐसा धमाल उद्धम मचा देते। हेलो हेलो, चुप कर तू, पागल है ये महेंद्र। हमने उनको खाने का न्योता दिया बराबर, हाँ, तो वो अभी तक कंफर्म क्यों नहीं किया वो वॉलरस गोखले ने? क्या 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 बोली तू? वॉलरस? हाँ तो ले, आपको नहीं मालूम? रुको रुको, ये देखो, ये जानवर, ये है वॉलरस। हाँ तो वो अन्ना भाई इसके जैसा तो चलते हैं। हाँ तो ये देखो, ऐसा ढसड़ ढसड़ के पागल। अरे अन्ना अन्ना मेरा सर। हाय हाय, लगेगा लगेगा। हे महेंद्र, कुछ बहुत बड़ी धमाल हुई लगती है। चलो ना जाके देखते हैं। अरे क्या, चलो ना चल के देखते हैं। ऐसे किसी के घर पे जाके उनकी प्रॉब्लम देखते हैं क्या कोई? हंस तो हा? हम तो बर्फ की ट्रे वापस मांगने आए थे। ऐसा बोल के उधर बैठ जाएंगे, सगोठवा के देख लेंगे। हाँ, और अन्ना साहब हमारी टिकट काटेंगे मुफ्त का मनोरंजन देखने के लिए। चुप बैठ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तेल है बाड़ा। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, माफ करना। हाँ माफ करना बाड़ा, कुछ ज्यादा ही मारा तुझे। अपने अमोल बाबूजी तो देखो गुस्से से ऊपर चढ़ गए। देखो ना अमोल, और मैं इधर से नीचे कूद जाऊंगा। वही नहीं बाड़ा, अरे कोई ऊपर जाओ। नहीं नहीं, कोई ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई ऊपर आए तो अभी कूद जाऊंगा मैं। ऊपर मत जाना, कोई नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तू बाद में कूदना। बाद में क्या कूदना, मत कूदना ऐसा बोलना। अरे क्या अन्ना, उसको बाद में कूदने के लिए बोल के फंसाने वाला था मैं। अरे अरे क्षमा करना बड़ा। सब लोग तीन तक गिनो, तीन के बाद में कूद जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आपके पैर टूट जाएंगे। बहुत डांट खाएगी निर्मिति, अभी इशारा पूछा तो। अरे निर्मिति समझना, पैर का इशारा, नाशपति को अंग्रेजी लोग पैर बोलते हैं, है कि नहीं भारतीय? हाँ ना। गिनो गिनो सब लोग गिनो। नहीं दादा, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। नहीं मुझे मारा ना, जब से पैदा हुआ हूँ तब से सबके कान में दम करके रखा है मैंने। नहीं, नाक में अमूल, नाक में। अरे नाक में, कान में, कहाँ पर भी दम करके रखा है वो। तू यो देख देख बेटा अमोल, गलती हो गई, भूल हो गई मुझसे बड़ा, कूदना मत। हाँ प्लीज अमोल दादा, आपको मेरी कसम, मैं कसम भी तोड़ दूंगा, और हिंदी पिक्चर की तरह इधर से कूद के मेरा पांव भी तोड़ दूंगा और सिर भी तोड़ दूंगा। नहीं, 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 सब हिंदी पिक्चर की वजह से हो रहा है। पापा कल रात को गायत्री दीदी के घर खाना खाने जाना है ना? नहीं जाना है तो कूद जाइए, और सर टूट जाएगा तो फिर आप नए वाले भूत की कहानी नहीं सुन पाएंगे। नया भूत? गुजराती खाना खाते खाते। गुजराती? हाँ, कल गायत्री के घर खाना खाने जाना है। ऐसे समझाता है, ऐसे हड़बड़ हड़बड़ नहीं। बराबर सच्ची, गुजराती खाना मतलब अपने मराठी से भी मस्त। हाँ काका, एकदम मस्त। क्या एकदम मस्त?
हमारे मराठी खाने जितना मस्त खाना नहीं होता है गुजराती खाना। नहीं तो फिर ऐसा खाना खाने का क्या फायदा, मैं कूद ही जाता हूँ। अरे अप्रतिम गुजराती खाना अप्रतिम, छप्पन भोग अन्नपूर्णा की सब स्वाद ऐसा होता छे सबको दिल में लुभाता छे। और अरे तुम लोग भी बोलो ना कुछ। ओ, अरे अमोल बड़ा, गुजराती खाना यम यम, मराठी खाना तो एकदम कचरा लगता है। एकदम टेस्टी अद्भुत, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। सुबह दोपहर शाम सबको गुजराती खाना ही खाना चाहिए। वाह हाँ, मराठी खाना थकेला एकदम फालतू। बस बस अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। वो समझ गया, इतना भी अच्छा नहीं होता है वो गुजराती खाना। अरे नहीं नहीं, बोलने के लिए भी नहीं, वो झूठ मूठ का मनाने के लिए भी नहीं, वो कूदेगा नहीं। तू कूदना मत हाँ बाड़ा, कूदना मत। वो गुजराती खाना थोड़ा ही मस्त होता है, फिर भी मत कूदना। ठीक है, नहीं कूदता हूँ, आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। अरे कोई आकर पूछेगा भी कि क्या हुआ मुझे? आहो इतना हो गया, मुझे मालूम बात हो रहा है। अगबे इस बार कौन सा है, चाइनीज कि रशियन? आओ सुनिए ना। जोचना हमारे बाद क्या होगा मेरे अमोल का, कौन संभालेगा उसे परमेश्वरा? अन्ना हम पे भरोसा नहीं है क्या आपको? आप तो संभाल नहीं पाए अभी अमोल काका को, बेटा हमने ही तो संभाला ना। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारा अपना भी तो जीवन है। जीवन जियो अपनों के लिए तो मिलता है सुख परम, और खुद को खुश करके सुख पाना होता है वो भरम। आप ही ने तो ये लिखा है ना अन्ना? माना कि आप खड़ूस हैं, अकड़ू हैं, हिटलर छाप है, मराठी मुगैम्बो, लोग भले बोलते कि आप सुतली बम हो। समझ गया मैं सुतली बम हूँ, मराठी मुगैम्बो हूँ, हिटलर छाप हूँ। अभी उसके आगे कुछ है क्या तो वो बोल बाड़ा। आगे हम सब बोलना चाहते हैं, आपने आपका पूरा जीवन हम सबके लिए जिया, तो हम सब मिलकर हमारे एक अमोल भाऊजी के लिए हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा नहीं जी सकते? मैं आ गया। क्या हुआ अभिषेक? कुछ नहीं। तो अन्ना रो क्यों रहे? अच्छा ऐसे ही टाइम पास। एक कल ना गुजराती की महफिल में ना मैं एकदम गला भर के खाऊंगा। पेट भर के खाते हैं अमोल। लेकिन जाता तो गले से है ना, अगर गला ही नहीं होगा तो पेट में कैसे पहुंचेगा खाना? छे अमोल, राजकोट। नहीं आप मुझे छूना भी मत, तेरे पापा ने फिर से मुझे धोखा दिया गायत्री। सारे मर्द एक जैसे होते हैं महेंद्र। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप?
अगो भाई, सुचिता के पापा तो मेरे अलावा किसी को आंख उठा के भी नहीं देखते। अरे भारती, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग आ जाइए, अंदर आ जाइए। हाँ, लेकिन आपका वो खारी बिस्किट, वो खर्राटे लेकर सो रहा है ऊपर गायत्री के पास। आइए ना आप लोग, आइए। हेलो केशव, प्रभाकर आओ, बैठिए बैठिए। अरे मस्त। ओ महेंद्र भाऊ, ये क्या ये धोखा भी का सगला? अरे नहीं नहीं, लूडो में धोखा दिया ऐसा। क्या आप लोग भी आधा अधूरा सुन के कुछ भी सोचने लगते हैं? अच्छा अभी देखिए। नहीं आप देखिए, देखिए ये टीवी बंद है, वो रेडियो, वो कराओके, वो सब सब बंद रखा है। अभी ऐसा मत बोलिएगा कि 10 बजे के बाद हम लोग लूडो भी नहीं खेल सकते। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कहने आया हूँ कि हम लोगों को आपकी दावत मंजूर है। अरे वाह, अरे अभी आप देखिए अन्ना भाई। अब पर शर्त ये है कि खाना गुजराती होना चाहिए। आले ले। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि आप लोगों के मराठी खाने में एक तो गिन के चार चीज होती है।